इज़ वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर होप यू एंड ऑल योर्स आर डूइंग वेल तो आज मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ पोलिटिकल साइंस की टर्म वन के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं आपका टर्म वन का पूरा सिलेबस कम्प्लीट कराऊँगी तो जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज कोल्ड वॉल उसे मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ तो आप वो उधर से देख सकते हो उसमें कोई चेंजेस नहीं है आप फोर श्योर sure उस वीडियो को रेफर कर सकते हो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड विच इज एंड ऑफ बायो पोलैरिटी तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो सीरीज में आपको क्या क्या एडिशनल मटेरियल्स मिलने वाले हैं जो आपकी बोर्ड्स के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे तो सबसे पहला तो आपको मिलेंगे यार डिटेल्ड लेक्चर ठीक है सेकेंड थिंग आपको नोट्स मिलेंगे तो ये जो पीपीटी है आप इसे एज अ नोट बिल्कुल रेफर कर सकते हो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वे में हर एक इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है एंड इट इज़ कम्प्लीटली एनसीआर टी बेस्ड थर्ड थिंग हर वीडियो के एंड में जैसे सपोज आज मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा आपकी चैप्टर के साथ साथ प्रिवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते रहेंगे नेक्स्ट इज टर्म वन एम सी क्यू तो टर्म वन के रिगार्डिंग जितने भी एम सी क्यू बन सकते हैं चैप्टर से उसकी आपके प्रॉपर एक स्प्रेडशीट मिला करेगी और जो भी लास्ट लेक्चर होगा सपोज़ इस वीडियो में तीन लेक्चर्स आने वाला है तो जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और दो चीज़ें जो इसमें मैं मेंशन करना भूल गई हूँ वो ये हैं कि आपको एक तो माइंड मैप मिलेंगे जिससे आप कंप्लीटली चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और सेकंड आपको एक टाइमलाइन मिलेगी क्योंकि यार अब हमारा जो पेपर है वो एम बेस्ड हो चुका है तो ज़रूरी है कि हमें टाइमलाइन पूरे चैप्टर की पता हो ताकि जो भी डेट्स वाले क्वेश्चन आए उनमें हम कन्फ्यूज़ ना हो तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा और मैं भी अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं आपको हर तरीके से हेल्प कर पाऊँ बट वन थिंग दैट आई वॉन्ट इन रिटर्न कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इन टू द वीडियो तो आज के वीडियो में हम डी करेंगे कि आखिर यूएसएसआर था क्या तो आज सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि यूएसएसआर यूएसएसआर बना कैसे था तो USSR की फॉर्मेशन हुई थी रशियन रेवोल्यूशन से तो रशियन रेवोल्यूशन में मेनली और सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पर एम्फोसाइज किया गया था ताकि एक एग्लिग्रेटेरियन सोसाइटी एस्टैब्लिश की जा सके अच्छा तो अब ये कम्युनिज्म क्या होता है तो यार कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें कम्युनिटी ही सारी प्रॉपर्टी को ओ करती है और उसी कम्युनिटी के लोग मिलके उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं एंड एट द एंड जो भी प्रॉफिट होता है वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हीं में ही डिवाइड कर दिया जाता है सेकेंड है सोशलिज्म तो सोशलिज्म एक स्टेट कंट्रोल्ड इकॉनमी होती है मतलब इसके सभी सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो यार इन्हीं आइडियल से इंस्पायर होके 15 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना लिया था यूएसएसआर जो मेनली रशियन रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया करता था तो क्या थे रशियन रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल की सोसाइटी कम्युनिस्ट होनी चाहिए सोशलिस्ट होनी चाहिए इक्वालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए राइट right? तो अब एक बार इन्हीं प्रिंसिपल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो ये पहला अटेम्प्ट था जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था एक ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश की गई थी जिसमें इक्वालिटी थी स्टेट की सुपरमेसी थी सभी 15 कंट्रीज को एक ही पार्टी रूल किया करती थी विच वॉज कम्युनिस्ट पार्टी अपोजिशन पार्टी कोई भी अलाउड नहीं थी इसके अलावा जो इकॉनमी थी उसको प्लान भी स्टेट ही करता था और उसे कंट्रोल भी स्टेट ही करता था तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स जो सभी 15 कंट्रीज जो यूएसएसआर में इंक्लूडेड थी वो इन्हें फॉलो किया करती थी तो यार वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार चैप्टर नंबर वन का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो कोल्ड वॉर के टाइम पे बायोपोलर वर्ल्ड था क्योंकि दो सुपर पावर डोमिनेट कर रही होती है लेकिन 1991 में यूएसएसआर एस हो जाता है डिसंटीग्रेट मतलब जो 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना था यूएसएसआर वो टूट जाता है तो अब यूएसएसआर तो एग्जिस्टेंस में रहा ही नहीं वो तो इस सुपर पावर की रेस से बाहर हो गया तो ऑब्वियसली अब जीतेगा कौन यूएसए जीत जाएगा तो अभी तक जो एक यू बायो वर्ल्ड था वो एक यूनी पोलर वर्ल्ड में चेंज हो जाता है यूनी का मतलब होता है यार वन तो कौन सी सुपर पावर एक बच गई हमारी यूएसए जो अभी वर्ल्ड में फिलहाल डोमिनेट कर रही है ठीक है तो ये था एंड ऑफ बायोपलारिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके अलावा हमारी एनसीआरटी में सबसे फर्स्ट पेज पे बर्लिन वोल को दिया गया है तो उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो यार बर्लिन वोल ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट किया करती थी लेकिन 9 नवंबर 1989 को इस तरीके से लोगों ने मिलकर इस वॉल को तोड़ दिया था और इस इंसिडेंट को बिगनिंग माना जाता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का तो यार ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था यूएसएसआर का कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ था और फिर एट लास्ट वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी तो अभी हम अपने चैप्टर की क्रोनोलॉजी देखते हैं तो पहले हम यूएसएसआर की इकोनॉमी और पॉलिटी को डिस्कस करेंगे फिर हम रीजंस देखेंगे कि क्यों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया क्या प्रोसेस था इस डिसइंटीग्रेशन का और एट लास्ट हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं यूएसएसआर की इकोनॉमी के साथ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूएसएसआर की इकॉनमी सोशलिस्ट थी जिसमें सभी लैंड या प्रोडक्टिव असिस्ट गवर्नमेंट के अंडर आया करती थी सेकेंडली इसका एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स बेस था थर्ड एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क था और एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो कंट्री के सभी एरियाज को इजीली कनेक्ट किया करता था और एट द एंड इसकी एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी जो पेन से लेके पेन तक सब कुछ प्रोड्यूस करती थी नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट यार सब्सिडी दिया करती थी मतलब लोग हेल्थ एजुकेशन या फिर चाइल्ड केयर सभी सर्विसेज को फ्रीली एक्सेस कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर था नेक्स्ट वन इज मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था बहुत ज़्यादा हाई क्लास लिविंग नहीं थी इन्हें नॉर्मल अपनी जो डेली नीड्स होती हैं वो इन्हें मिलती थी नेक्स्ट पॉइंट जो यू की एक बहुत बड़ी एडवांटेज भी था कि वहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था सभी लोगों को किसी ना किसी सेक्टर में जॉब गिविन थी तो यार ये कुछ पॉइंट्स थे जो यू की इकॉनमी को डिस्क्राइब करते हैं इसके अलावा मैं एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगी जो हमारी एन में गिवन नहीं है लेकिन हमारी जनरल नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है तो यार हमने पढ़ा था कि यू की जो इकॉनॉमी थी उसे स्टेट प्लान करता था तो स्टेट किस तरीके से प्लान करता था बेसिकली स्टेट एक फाइव ईयर प्लान फॉलो किया करता था uh, ये वही प्लान है जो इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था इंडिपेंडेंस के बाद और इसे हम इन डिटेल प्लानिंग वाले चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो इस प्लान में आप बेसिकली होता क्या है हर सेशन की स्टार्टिंग में एक फाइव ईयर प्लान फ्रेम किया जाता है ये एक तरीके का प्री बजट प्लान होता है जिसमें गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई करती है कि हम आने वाले पाँच सालों में किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे क्या हमारे एक्सपेंडिचर होंगे तो इन्हीं सब की डिटेलिंग पहले से ही फ्रेम करके रखी जाती है तो यार इस पॉइंट को भी आप यूएसएसआर की इकोनमी में मेंशन कर सकते हो तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और यूएसएसआर की पॉलिटी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था अथॉरिटेटिव नेचर था इसके अलावा वन पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ही टोटल 15 कंट्रीज़ को रूल किया करती थी एक और पॉइंट अगर हम यहाँ के मिलिट्री अलायंस की बात करते हैं आई एम सॉरी मैं उसे मैंशन करना भूल गई बट चैप्टर वन में मैंने इन डिटेल पढ़ाया हुआ है तो यूएसएसआर के मिलिट्री अलायंस का नाम था पैक्ट जो कि 1955 से फॉर्मुलेट हुआ था डिटेल देखनी है फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देख लो आपको उसमें मिल जाएगी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने यू को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है और अब मैं इसके बाद आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने सभी वन मार्कर को इंक्लूड किया है इनमें से कुछ एम हैं तो कुछ वन वर्ड वाले हैं या फिलअप्स वाले हैं उनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया कि हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि, कि किस तरीके के क्वेश्चन सी के पेपर में आते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि यू कब एग्जिस्टेंस में आया था तो इट इज ऑब्वियसली नाइनटीन आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी बी एस ई ट्वेंटी ट्वेंटी में आया था सोवियत यूनियन रिप्रेजेंटेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर और इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन आया था सेट टू में विच वॉज द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवनटीन वॉज इंसपायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन एग्लिग्रेटेरियन सोसाइटी तो यार अपनी एनसीआरटी के देखना ये सेम लाइन वहाँ पे दी गई है तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि एन में से इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच आइडियोलॉजीज वर रिप्रेजेंटेटेड बाय द वेस्टर्न अलायंस एंड द ईस्टर्न अलायंस तो यार अलायंस सिस्टम को हम कोल्ड वॉर के फर्स्ट पार्ट में इन डिटेल पहले डिस्कस कर चुके हैं अगर वो वीडियो नहीं देखी और इस टॉपिक को समझना है तो उधर जाके आप देख सकते हो तो वेस्टर्न अलायंस बेसिकली यूएसए को बोला जाता था और ईस्टर्न लाइन्स यूएसएसआर को बोला जाता था तो यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी और ईस्टर्न अलाइंस मतलब यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म और सोशलिज्म जिसे हमने आज ही इस वीडियो में पढ़ा है यह भी सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन है जो 2019 में आया था नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है जो 2017 कंपार्टमेंट वाले पेपर में आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो यार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये टर्म हमारी थर्ड चैप्टर में आई है विच इज यूएस हैजमनी जो इस बार के सिलेबस के लिए कट कर दिया गया है बट इसका मतलब होता है यूनिपोलर वर्ल्ड जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया था कि जब यूएसएसआर साथ डिस इंटीग्रेट हो गया तो वर्ल्ड कैसा बन गया यूनिपोलर तो एग्जैक्टली exactly यही आंसर होगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन अब आ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉर फोल्स तो पहली स्टेटमेंट दी गई है सिम्बलाइज द डिविजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सही है ये सेकंड दी गई है इट वॉज बिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये रॉन्ग है थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा उसमें से आए थे अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा कि क्या रीजन्स थे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुई क्या उसका प्रोसीजर था और क्या उसके एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेज हुए सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा मैंने अपनी पूरी मेहनत डाली है कि मैं आपको सुंदर से सुंदर पी पी टी बना के दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइज प्लीज़ शेयर कर देना एंड डैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू इन नेक्स्ट बाय बाय